Hello everyone, I am Dr. Shweta Amit Bhandari. I welcome you all to this 11 days challenge of us of gratitude. Aaj hai day 8. I am happy ki aap itte sare posts aur itte sare acche acche messages, letters, sab kuch group mein post kar rahe ho aur unke upar itte sare likes, comments, sab kuch acche hai. I am happy ki ye ek jo gratitude ka hamara community hai, wo ek family ke form mein bante jada hai, jo ek dusre ko support kar raha hai, motivate kar raha hai. So thank you so much ki aap ye challenge ka part ho. Aaj hai day 8 aur aaj ki day mein hum log karenge challenge. Gratitude to the things that gives you comfort. So first day pe humne kiya tha gratitude to life. Second was ecosystem, yani sun, air, earth, jisme aapne tree ko hug kiya tha, right? Bahut achhe pictures dale aap logon ne. Uske baad tha gratitude to elements that gives you life, yani food or water, jisko hum log rose kar rahe hain uske baad se, right? Fir uske baad gratitude to health. फिर ग्रैटिट्यूड टू वर्क हम लोगों ने किया जिसमें हमने वो इकिगाय बनाया था. उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू मनी जिसमें हमने एक अफर्मेशन स्टिक किया था हमारे लॉकर में या वॉलेट में. उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू रिलेशंस कल जो हम लोगों ने किया था, राइट? तो उसके बाद आज है डे 8, हम लोग करेंगे ग्रैटिट्यूड टू कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी. चीजें जो आपको कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी आपकी लाइफ में देती है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका घर, राइट? होम इज वेयर हार्ट इज, राइट? तो आपका घर ही वो प्लेस है जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट और सिक्योरिटी देता है, राइट? जैसे आप सोचिए, एटलीस्ट हम लोगों को आज ये घर को ग्रैटिट्यूड ये क्यों देना चाहिए, आप सोचिए. एटलीस्ट आपके पास ये पूरा घर है रहने के लिए. कोई लोग घर को एक प्लेस समझते हैं, जैसे एक बंगलो, फ्लैट, रूम जिसमें वो छोटे से रहते हैं. कोई अगर ना हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए उनका रूम ही उनका घर है. वैसे ही कोई लोग एक फीलिंग जो हम लोग बोलते हैं होमली फीलिंग आती है, कि इमोशन जो चीज से अटैच्ड है उसको वो घर मानते हैं. उसके अलावा कोई लोग वाइब्रेशन से घर को फील कर सकते हैं. कोई लोग कोई पर्सन को अपना घर मानते हैं, जैसे उनसे मिलने के बाद एक होमली फीलिंग आती है, जैसे उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिस्टर, ब्रदर. तो उनको मिलने के बाद जब आपको होमली फीलिंग आती है, दैट मीन्स वो आपके लिए घर है. वैसे ही कुछ लोग क्लोथ्स को अपना घर मानते हैं, कि वो पहनने के बाद उनको एकदम कम्फर्ट मिलता है. तो Whatever gives you comfort and security is your home. आप सोचिए हम लोग gratitude क्यों दे रहे हैं आज घर को. तो imagine कीजिए at least आपके पास ये घर है रहने के लिए. क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास वैसा एक comfortable space भी नहीं है रहने के लिए. Still they are happy in what they are living. But at least you have a space in which you are living, you are enjoying, and which is better than this people. So at least you have a space to live in. So be grateful to your home. बहुत बार क्या होता है, हम लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं निगेटिविटी में. जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली का ले लो, या इंडिविजुअल भी. जैसे ना लोग बोलते हैं स्पेस बहुत कम है, या ना घर में ऑलरेडी इतनी निगेटिविटी, झगड़े चल रहे हैं, या हमारे खुद के इमोशनल क्लैशेस इतने हैं कि जो ये घर में रहने का कम्फर्ट और सिक्योरिटी है, या घर को जो ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं उसी में रह के. मतलब हम कॉन्स्टेंटली डे इन एंड आउट हम लोग वही घर में रहते हैं, बट फिर भी हम उसकी प्रेजेंस को ही ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें चल रही है, या इन केस अगर आप घर में भी घूमते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप बार बार वही चीजें देखते हो. अरे ये रूम तो क्लीन नहीं है, अरे इसमें तो ये चेंजेस लाने, यहाँ पे ये चीज बाय करनी, इसको इस वे से रिपेयर करना. तो यू आर कॉन्स्टेंटली कंडीशन टू सी निगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. उसके अलावा बहुत सारे लोग अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे ना स्पेस कम है, प्रिवेसी नहीं है, घर में ये क्लैश है, इसका इससे अच्छा नहीं बन रहा है. तो इनडायरेक्टली आप उसमें अपने ही इमोशनल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो, तो आप भूल गए हो ग्रैटिट्यूड देना उसमें जिसमें आप रह रहे हो. डे इन एंड आउट आपके घर को आप ग्रैटिट्यूड देना भूल रहे हो. तो टुडे इज द डे टू फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर होम. बहुत बार क्या होता है कि अगर आप ऐसे भी स्पेसेस से घर में जहाँ पे बहुत सामान पड़ा है, तो आप वहां पे जाते ही नहीं हो. तो आप एक सेंसरी टूर लीजिए. बट आप सेंसरी टूर आपके घर में जब लोगे, एक टूर लीजिए आपके पूरे घर में आज. बट आप जब टूर लोगे, तभी आप वो इम्परफेक्शन को मत देखिए कि ये ठीक करना है, या इसमें मेरे को ये चेंजेस लाने, अरे मैं कितना भी कर लूं ये तो स्पेस गंदा ही रहता है, ये लोग तो मुझे हेल्प ही नहीं करते, सिर्फ मैं ही घर को ठीक करता हूँ. तो ये जो आप निगेटिविटी रोज डालते हो ना, उसकी जगह पे ट्राई सीइंग द ग्रेटफुलनेस. Instead, find something that will make you feel grateful to your house. ऐसी कुछ चीजें ढूंढिए जिससे आपको आपके घर के लिए gratitude feel होगा. उसमें से best आप क्या कर सकते हो, आप imagine कीजिए
कि आप एक लंबे टूर पे गए हो और बहुत दिनों के बाद अपने घर पे वापस आए, तो आपको कैसा फीलिंग आता है, दैट इज द होमली फीलिंग। तो आज वो होमली फीलिंग को लेके आप घर में एक चक्कर लगाओ। जैसे ना बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे हॉस्टल में रहने जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जब वो हॉस्टल में रहने जाते हैं और फिर वो घर आते हैं ना, तो वो जो एक घर आने का उनको जो फीलिंग मिलता है ना, तो आप वो फीलिंग को फील करके अपने घर को आज ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप वो मोमेंट को याद कर सकते हो कि जिस वजह से आपने ये घर खरीदा है, आपको क्या चीज ये घर की तरफ खींच के लाई थी वो टाइम पे, आपको वो गार्डन ब्यूटीफुल लगा, आपको वो घर के साथ जो एमिनिटीज मिल रही थी वो अच्छी लगी, आपको घर का स्ट्रक्चर अच्छा लगा, किसी की वुडन फ्लोरिंग है या किसी का छत अच्छा है या किसी के सामने स्पेस ज्यादा अच्छा है, तो आपको आपके घर में क्या पसंद आया जो आपको वो घर तक लेके आया, तो आज वो मोमेंट को याद करके उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो। उसके अलावा आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो वो स्पेस के लिए जो आपको घर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एक स्पेसिफिक स्पेस है जिसमें आप खाना बनाते हो, किचन, राइट, एक स्पेसिफिक स्पेस आपकी लिविंग रूम की है जिसमें आप सब लोग बैठ के पूरी फैमिली कुछ चीजों को एंजॉय करती है, टीवी को एंजॉय करती है, बेडरूम है जिसमें आप सोते हो, बाथरूम है जिसमें आप नहाते हो, तो आपको घर एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करता है, आपकी लाइफ को इजी बनाता है, लाइब्रेरी है जिसमें आप बुक्स रीड करते हो, राइट। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको आपके घर में एक सेंसरी टूर लीजिए। सेंसरी यानी कि आप, हमारे 5 senses रहते हैं, राइट, तो वो 5 senses को इन्वॉल्व करके आप एक अवेयरनेस के साथ आपके घर में एक चक्कर लगाइए, एक टूर लीजिए और इंजॉय कीजिए कि आपका घर किस तरीके का है और उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप देखिए कि आपके कर्टन्स कितने, आप अपनी 5 senses में से साइट को यानी आंखों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप देखिए कि आपके घर के कलर्स कितने ब्यूटीफुल है, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर आपके घर में इन्वॉल्व है, आपके कर्टन्स का कैसा कलर है, वॉल का कैसा कलर है, कोई स्ट्रक्चर आपके घर में किस तरीके का है, स्टेयरकेस है तो वो किस तरीके की है, जो छोटे छोटे आर्टिफिशियल मॉन्यूमेंट्स है या छोटी छोटी हम लोग जो बोलते हैं ना डिफरेंट स्पेसिंग फर्नीचर्स, वो किस तरीके का है, किस कलर का है, वो आपके घर को कितना ब्यूटीफुल बनाता है, आर्टिफैक्ट्स है आपके घर में, पेंटिंग्स है आपके घर में, तो वो कितनी ब्यूटीफुल है, तो आपकी साइट को यूज करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। उसके अलावा आप अपने स्मेल सेंस को यूज करके क्या कर सकते हो, जैसे ना हर एक घर की एक स्मेल रहती है, आप कोई कोई घर के बाहर गार्डन रहता है तो फ्लावर की स्मेल आती है, कोई कोई घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल आती है, कोई कोई घर में कपूर कॉन्स्टेंटली जलता है तो उसकी स्मेल आती है, तो आपके घर में आपको एक घर जैसी स्मेल आएगी। उसके अलावा आप घर का खाना खाते हो तो उसमें और बाहर के खाने में डिफरेंस रहता है, क्यों, जैसे हम लोगों ने फूड के सेक्शन में देखा था इमोशंस अटैच रहते हैं, राइट, तो इसीलिए वो आपको होमली फूड लगता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं होम का अटैचमेंट है, वो किचन का अटैचमेंट है, इसीलिए वो फूड आपको उस तरीके का टेस्ट करता है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट टुडे। आप सुनिए कि आपके घर में आवाजें किस तरीके की आती है, आपके कोई इंस्ट्रूमेंट की जैसे पंखे की आवाज आती है क्या, या तो फिर बर्ड्स की आवाज आती है क्या, वाटर की आवाज आती है क्या, बच्चे बाहर खेल रहे उनकी आवाज आपके घर में आती है क्या, तो एंजॉय दैट साउंड्स और उनके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। उसके अलावा आप टच कीजिए सारी चीजों को, घर में घूमते हुए सारी चीजों को हाथ लगा के देखिए, जैसे बेड कितना कंफर्टेबल है, आपको एक कंफर्ट देता है, उसके अलावा फ्लोर कितना फर्म है कि आप उसके ऊपर चल सकते हो, है ना, आपके फर्नीचर कितना अच्छा है, आप हर चीज को टच करके देखिए और उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो टेक अ सेंसरी टूर इन योर हाउस एंड फील ग्रेटफुल फॉर योर हाउस टूडे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ना बियॉन्ड विजिबल, जैसे ये तो आपके 5 senses आपने यूज कर लिए, बट उसके अलावा भी बियॉन्ड विजिबल जाइए, जैसे देखिए कि नेबरहुड में क्या क्या है, जैसे आपके नेबर्स कितने अच्छे आपको मिले हैं कि उसके लिए आपकी लाइफ इजी हो रही है, या तो आपके नेबरहुड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये घर की वजह से आपको काफी सारी चीजें एक्सेसिबल है, जैसे आपके घर के आजू बाजू अगर पार्क है, आपके घर के आजू बाजू कैफे है, या आपके घर के आजू बाजू सुपर मार्केट है, या आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पास में है, तो आप उस घर को थैंक यू दीजिए कि उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें एक्सेसिबल हुई आपके नेबरहुड की, राइट, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट टूडे। उसके अलावा घर आपको एक स्पेस देता है जिसमें आप फंक्शंस करते हो, अलग अलग पार्टीज करते हो, उसकी मेमोरीज आप ट्रेजर करते हो, बट वो घर की एक स्पेस को भी आज आप थैंक यू दीजिए कि उसकी वजह से
आप ये सारी चीजें कर पाए अपने घर में। उसके अलावा एक घर आपको एक ना इमेज देती है, राइट। आपको बहुत लोग आपके घर में आए होंगे तो उन्होंने आपको अलग अलग वे से अप्रिशिएट किया होगा आपके घर की वजह से, तो वो आपको एक रिस्पेक्ट दिलाता है, आपको एक डिग्निटी दिलाता है, आपको एक अप्रिसिएशन दिलाता है। तो उन मोमेंट्स को याद करके आज आप अपने घर के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। उसके अलावा घर आपको अलग अलग स्पेसेस देता है जिसमें आपकी फैमिली एक मेमोरीज को ट्रेजर कर सकती है, इंजॉय कर सकती है कुछ मोमेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर मंदिर है तो आप साथ में बैठ के प्रेयर करते हो, आपके घर में डाइनिंग एरिया है तो आप साथ में बैठ के खाना खाते हो, अगर आपके घर में लाइब्रेरी है तो वहां पे कुछ मेंबर्स बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं, आपके घर में सोफा है तो उस पर बैठ के आप मजाक मस्ती कर रहे हो। तो इनडायरेक्टली घर की अलग अलग चीजें आपकी फैमिली को हेल्प करती है इंजॉय करने के लिए, ट्रेजर करने के लिए कुछ मोमेंट्स को। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट टूडे। आप विंडो के बाहर देखिए कि आपका घर आपको किस तरीके का व्यू दे रहा है, बालकनी से जाके देखिए कि आपके घर की वजह से आपको कितना अच्छा एक एम्बियंस आपके घर के आजू बाजू मिल रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, आपके टास्क में ही आपको आज यही करना है कि आपको आपके पूरे घर में एक सेंसरी टूर लेना है। मैंने बोला विथ अवेयरनेस विथ योर फाइव सेंसेस, तो आपको एक घर में आपके टूर लेना है कि आपको जो जो घर के सेक्शन से जहां जहां पे आप जाते भी नहीं हो फ्रीक्वेंटली वहां पे भी जाइए और आपके घर में एक सेंसरी टूर लीजिए पूरे घर की, और उसमें से जो बेस्ट प्लेस है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वहां पे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, या जो जो मेरे को आइडियाज देता है, जो मेरे लिए एक कम्फर्ट जोन है मेरा, वो एक जो पर्टिकुलर स्पेस है आपके पूरे घर में वहां पे आप बैठिए और वहां का एक फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालिए और उसके साथ आप मेंशन कीजिए कि वो प्लेस आपके लिए सबसे बेस्ट क्यों है, वो आपकी होमली प्लेस आपके घर में क्यों है। तो ये आपका फर्स्ट टास्क है। उसके अलावा आपको सेकंड चीज क्या करनी है, तो पहले बात समझिए कि व्हाट इज मेमोरी टूर। मेमोरी टूर यानी घर में आपके अलग अलग चीजों से रिलेटेड एक कुछ ना कुछ मेमोरी रहती है। जब आप ये सेंसरी टूर घर में लोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेगी, फोटोज है, पेंटिंग्स है, जो आर्टिफैक्ट्स है उनसे रिलेटेड, या घर में समझो कोई स्क्रैच भी है ना तो उनसे रिलेटेड भी आपकी कोई ना कोई मेमोरी होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मदर के यहाँ पे एक वॉल पे स्क्रैच है राउंड, तो वो मेरी मदर को अगर वो स्क्रैच कोई पूछता है ना या कोई नोटिस करता है तो तुरंत उसके पास एक स्टोरी है बताने के लिए। जैसे बचपन में मैं और मेरे भाई बहुत नॉटी थे तो यूजुअली जैसे ना उसने मुझे एक पिलो फेंक के मारा और मैंने रिटर्न में जो मेरे हाथ में जो ग्लास था वो मैंने उसको फेंक के मारा, तो उसकी वजह से जब वो वॉल पे लगा ना तो उसको एक सर्कल क्रिएट हो गया वहां पे। तो वो आज भी सबको किसी ने नोटिस किया तो उनको बताती है कि मेरे बच्चे कितने नॉटी थे, वो किस तरीके की मस्ती करते थे। तो शी हैज अ स्टोरी विद दैट स्क्रैच आल्सो। उसके अलावा हमारे घर जैसे मेरे को बचपन में फ्रैक्चर हो गया था और बीइंग नॉटी चाइल्ड तो मेरी मदर मेरा ज्यादा ध्यान रखती थी, जब वो मुझे मेडिसिन भी देती थी तो वो मेरे सामने बैठती थी कि वो मेडिसिन मैं खाती हूँ या नहीं खाती हूँ वो देखने की। तो जब वो मेडिसिन देती थी तभी मैं उसके सामने तो उसको मुंह में डाल के पानी पी लेती थी, बट बाद में वो मेडिसिन निकाल के मैं जो हमारे किचन में जो फ्रिज था उसके स्टैंड में पीछे से डाल देती थी। तो जब दिवाली आई नेक्स्ट, तभी जब नहीं हम लोग यूजुअली साफ सफाई करने के लिए चीजों को बाहर निकालते तो तभी वो स्टैंड में बहुत सारे मेडिसिन बाद में मिले। तो आज भी अगर फ्रिज के स्टैंड का अगर कोई बात होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो अगर फ्रिज की स्टैंड रिलेटेड कोई भी बात होती है तो तुरंत शी हैज अ मेमोरी एंड शी कैन स्पीक अबाउट इट। तो वैसे ही आप जब अपने घर में एक सेंसरी टूर लोगे तो आपको भी कोई ना कोई चीजें देख के कोई ना कोई मेमोरी याद आई होगी, जहां से आपने ये चीज को लेके आए हो, किसके साथ मिलके आप इसको लेके आए हो, या कोई स्क्रैच है तो उससे रिलेटेड आपको कोई मेमोरी होगी। तो वो जो कुछ भी मेमोरी होगी उनको एक्सपीरियंस कीजिए, घर को उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए क्योंकि उसने वो मेमोरी को वहां पे संभाल के रखा है, और इंटरनली एक्सपीरियंस कीजिए वो ग्रैटिट्यूड को, वो चीजों को टच करके देखिए, आपको उसको रिलेटेड वो आपकी मेमोरी लेन में जब आपको पीछे लेके जाता है तभी आपको कैसा फील होता है, और वो टाइम पे आपके घर को ग्रैटिट्यूड दीजिए। और तभी आपको आपका सेकेंड टास्क करना है, तो आपको क्या करना है कि वो उसमें से जो बेस्ट चीज है जो आपको मेमोरी लेन में पीछे लेके जाती है वो चीज के साथ आपको फोटो निकालना है और आपकी वो मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करना है या शॉर्ट में लिखना है कि आपको क्या याद आ रहा है वो चीज को देख के। तो हम लोग भी आपकी मेमोरी को रिजॉइस कर पाओगे जैसे आपने अभी मेरी मेमोरी को किया, राइट। तो दिस इज योर सेकेंड टास्क। उसके अलावा अभी जब घर आपको इतना कुछ दे रहा है तो आपका भी एक ना तरीका बनता है घर को एक रिटर्न गिफ्ट देने का, राइट, एक्सचेंज में कुछ देने का। तो टुडे इज द डे फील ग्रेटफुल फॉर योर हाउस और उनको एक रिटर्न गिफ्ट दीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली
कोई एक स्पेस को डीक्लटर कर सकते हो, डीक्लटर यानी साफ करना, वहां से वो चीजों को निकालना। आप इमेजिन कीजिए, समझो आप डांस कर रहे हो, ठीक है, और आपके साथ एक पार्टनर है जो एकदम ढीला डाला है या ना डांस ही नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा डांस बिगड़ जाएगा। या तो वो आपके साथ सिंक्रनाइजेशन में डांस नहीं कर रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा डांस कर रहा है, तो अपने आप से वापस से आपका डांस बिगड़ जाएगा। तो आप सोचिए, आपका घर एक नथिंग बट एक स्पेस ऑफ एनर्जी है, राइट। अभी तक पूरे 7 दिनों में हम लोग यही सिखाते आए कि सब कुछ, सारी चीजों में एनर्जी है। तो अगर आपके घर में भी एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशनल जोन है, तो आप सोचिए उसमें कोई ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे हो तो आपके घर की चीजें भी मूव होनी चाहिए, बट अगर वो मूव नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल बंद घड़ी है, वो मूव नहीं हो रही है, मतलब वो क्या है, वो एक डांसर की तरह है जो स्टेप्स नहीं कर रहे हैं, बस आप ही कर रहे हो, तो आपका डांस बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही आपके घर की वाइब्रेशंस बिगड़ सकती है। तो ऐसी कोई टूटी फूटी चीजें जिनको आप यूज नहीं कर रहे हो, वो चीजें तो ट्राई टू डीक्लटर। या मेन तो क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई आपको कैसा लगेगा, जब आपने कोई चीज ढूंढ रहे हो तुरंत आपको वही जगह पे वो चीज मिल गई, तो आपका काम इजी हो जाएगा, राइट। डीक्लटरिंग में आपको डीक्लटर, क्लटर को हटाना है, यानी आपको वो जो स्पेस है उसको क्लीन करना है। तो एक तो आप छोटा सा एक कबर्ड भी क्लीन करोगे तो इट वुड बी अ रिटर्न गिफ्ट टू योर हाउस, क्योंकि वो वहां की एनर्जी को चेंज कर देगा। सिमिलरली आप डेकोरेट कर सकते हो अपने हाउस को, सिंपल एक छोटी रंगोली बनाना भी एक डेकोरेशन का टाइप है घर के लिए। वैसे ही आप घर को एक रिटर्न गिफ्ट दे सकते हो फ्रॉम सिंपल किचन, या तो फिर आपको कब से कोई चीज अगर घर में लानी है तो वो आप आज लेके आ जाइए, तो दैट विल बी अ रिटर्न गिफ्ट फॉर योर हाउस। उसके अलावा रिलीजिंग द लोड, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके डांस में, आपके सिंक्रनाइजेशन में घर की कुछ चीजें मैच नहीं हो रही, टूटी हुई है, आप यूज नहीं कर रहे हो, कब से पड़ी है, वो सेक्शन घर का यूज नहीं हो रहा है, तो ट्राई कि वहां की चीजें आप रिलीज कर दो, आप किसी को दे दो। जैसे अगर आपके कंधे पे कोई बोझा है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सिमिलरली घर की वाइब्रेशंस को आपको चेंज करना है तो आप रिलीज कीजिए वो लोड को, वो एक तो वो आप फेंक दीजिए, किसी को दे दीजिए, तो घर का अपने आप से लोड रिलीज हो जाएगा। तो इवन यू कैन गिव this kind of gift to your house. So this is the third part. अभी आप सोचिए, जैसे आपने ना comfort feel किया आपके घर में, वैसी एक और चीज है जिसमें आप comfort feel करते हो, yes, that is your clothes. हम लोग जब बोलते हैं ना, एक particular कहीं पे भी आप कोई भी function से return आओ, but आप अगर अपने घर के कपड़े पहनते हो ना, तो you feel more comfortable, right? तो वैसे ही सेकेंड चीज जो आज आप ना ग्रेटिट्यूड फील करना है, वो है आपके क्लोथ्स के लिए। आप सोचिए आपके क्लोथ्स एग्जैक्टली क्या है। क्लोथ्स कोई भी चीज है जो आप अपने ऊपर पहनते हो, है ना, कोई भी कपड़ा जो आप अपने ऊपर पहनते हो, दैट इज योर क्लोथ्स। क्लोथ्स एक्सक्लूसिवली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। आपने देखा है कभी गाय को कपड़े पहने हुए या शिप को, बट अभी नया ट्रेंड है कि कुत्तों को या अपने पेट्स को वो लोग कपड़े पहनाते हैं, बट दैट इज डिफरेंट इशू। बट एक्सक्लूसिवली ह्यूमन एज दैट कैरेक्टरिस्टिक, और ह्यूमन सोसाइटी में ही ये रिचुअल है कपड़े पहनने का। कपड़े आपको क्या करते हैं, बेसिकली उनका क्यों इजाद हुआ था, इन्वेंशन क्यों हुआ था, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वेदर चेंजेस अराउंड यू, जो आपको जैसे सन हीट की वजह से बर्न हो सकता है, कोल्ड फील हो सकता है, विंड्स, एक्सेसिव विंड से बचने के लिए, स्नो से बचने के लिए। तो बेसिक फंक्शन क्लोथ्स का वो है। उसके अलावा आपके आजू बाजू इतने सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज है, वो एक हाइजीनिक बैरियर बन जाता है सारी चीजों को आप तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा क्लोथ्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए रहते हैं, क्लोथ्स आपको नेकेड नहीं फील करवाते, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वो आपको एक, जो हम लोग बोलते हैं ना, एक सारे जो एटमॉस्फेयर आपके अराउंड है, समर सीजन बोलो, स्नोई विंटर, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट। उसके अलावा आपके हर एक क्लोथ्स के साथ एक स्टोरी है ना। तो वैसे ही क्लोथ्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ का, जो हमको कंफर्ट देता है। तो टुडे इज द डे टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर इट। आप ही सोचिए, जैसे रीजन फॉर वीयरिंग क्लोथ क्या है, 3 नीड्स रहती है पर्सन की, एक फिजिकल नीड, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फिजिकल नीड्स में जैसे मैंने आपको बोला, वो आपको नेकेड नहीं फील होने देता है, ये आपकी सबसे बड़ी फिजिकल नीड है उसकी। वो आपको कंफर्ट देता है और वो आपको एक ईज देता है सोसाइटी में घूमने के लिए। उसके अलावा साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, पहली बात तो वही कि वो एक मेल और फीमेल जेंडर को डिफरेंशिएट करता है। उसके अलावा आप देखोगे कि जैसे ना
कल्चर का पार्ट है, जैसे अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे आप बोलोगे पंजाबी लोग अलग पहनते हैं, राजस्थानी लोग अलग पहनते हैं, तो आप उनको ना रिकग्नाइज कर सकते हो उनके क्लोथ्स पर से। उसके अलावा साइकोलॉजिकली कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमको एक इमेज देते हैं, इनडायरेक्टली हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट, एक आइडेंटिटी देते हैं, तो वो हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड्स है कपड़े पहनना, राइट। उसके अलावा साइकोलॉजिकली जैसे आप देखोगे बहुत लोगों का एक अपना एक यूनिफॉर्म रहता है, जैसे आप डॉक्टर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, आप आर्मी को कैसे, पुलिसमैन को कैसे, उनके क्लोथ्स पर से रिकॉग्नाइज करते हो, तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल नीड कपड़े पहनने की वो पर्सन के लिए। वैसे ही सोशल नीड रहती है एक मॉडेस्टी की, यू बीइंग अ मॉडेस्ट इन सोसाइटी तो आप कपड़े पहनते हो, राइट। उसके अलावा आपका एक स्टेटस रहता है इसीलिए आप उस वैरायटी के कपड़े पहनते हो। फिर उसके बाद आपके जैसे नहीं, ये तीनों को मिला के आपका एक नीड है वो कपड़े पहनने का, इसीलिए आप कपड़े पहनते हो। उसके अलावा वो आपके लिए क्या करता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैंने बोला वेदर से या ना सराउंडिंग से, बैक्टीरिया से, एक बैरियर बन जाता है, आइडेंटिफिकेशन देता है, मॉडेस्टी देता है, एक स्टेटस आपको देता है कपड़े। प्रोटेक्शन यानी क्या, सिंपल, अगर आप किचन में भी हो ना, कोई गर्म चीज है आपको उसको पकड़ना है, तो अगर आपके पास वो पर्टिकुलर टूल नहीं है तो आप तुरंत एक कपड़ा ले लोगे, तो एक सिंपल वे है उसका आपको प्रोटेक्ट करने का। उसके अलावा अभी आप कोविड में देखेगा तो हम लोग वो पीपीई किट पहनते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक बैरियर क्रिएट करता है सराउंडिंग के साथ बॉडी का, तो इनडायरेक्टली इट इज प्रोटेक्टिंग अस। वैसे ही अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वैसे ही वो हमको एक कंफर्ट देता है, इंडिविजुअलिटी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगी कोई भी एक फ्रीडम फाइटर को याद कीजिए जो आर्मी के कपड़े पहनता था, तो तुरंत आपके सामने सुभाष चंद्र बोस की इमेज आ जाएंगी। आप एक फ्रीडम फाइटर को याद कीजिए जो सिर्फ धोती पहनते थे, शर्ट भी नहीं पहनते थे और चश्मा लगाते थे, स्टिक के साथ चलते थे, तो आपको तुरंत महात्मा गांधी याद आ जाएंगे। आप एक एक्टर को याद कीजिए जो व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट और व्हाइट शूज पहनता है, तो आपको तुरंत जितेंद्र याद आ जाएंगे, राइट। वैसे ही आप एक पर्सन को याद कीजिए जिसके हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट है विद अ ब्लू स्टोन, तो तुरंत आपको सलमान खान याद आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, वो उन्होंने उनकी पर्सनालिटी में वैसे क्लोथिंग, वैसे एक्सेसरीज को कैरी किया है, राइट। तो हमारे क्लोथ्स हमको एक इंडिविजुअलिटी देते हैं, हमारे को एक तरीका देते हैं कि जिससे हम खुद को एक्सप्रेस कर पाए। वैसे ही अगर आप स्पोर्ट्स में देखोगे तो अलग अलग टीम का अलग अलग क्लोथिंग्स रहते हैं जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। जैसे हमारी इंडिया की जर्सी है ब्लू जर्सी, तो हम उससे हमारे इंडियन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वैसे यूनिफॉर्म्स है एयरलाइन के, डॉक्टर्स के, जैसे मैंने बोला वो एक आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, इसीलिए आप वो टाइप के क्लोथिंग्स को पहनते हैं। उसके अलावा मॉडेस्टी देता है, जैसे मैंने आपको बोला यू बीइंग अ मॉडेस्ट यू वेयर दैट पर्टिकुलर ड्रेस, मेल फीमेल में डिफ्रेंसिएशन करता है, कल्चरल डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, तो दैट इज द वे क्लोथ्स वर्क फॉर अस। स्टेटस का एक एग्जाम्पल लूंगे तो जैसे आर्मी में आप देखो कि अलग अलग लेवल्स के अलग अलग ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनकी ड्रेस कलर, ड्रेस सेंस, ड्रेस पे लगे हुए एम्बलम में फर्क आते जाता है जैसे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं, तो दैट इज द वे कि आपका स्टेटस सामने वाले पे रिफ्लेक्ट होता है विथ योर क्लोथ्स। उसके अलावा आपका एक फैशन सेंस रहता है, अगर आप अपने वार्डरोब को भी देखोगे ना तो आपको समझेगा कि आप किस फैशन सेंस को कैरी करते हो। हर एक पर्सन का अपना एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करने का तरीका है क्लोथ्स, तो वो आपके फैशन सेंस को रिफ्लेक्ट करता है। आप अलग अलग एक्टिविटीज में भी अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनने को आपको मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलते वक्त अलग, ट्रैवलिंग के वक्त अलग, डाइनिंग के वक्त आप अपना एप्रन या खाना बनाते वक्त आप अपना एप्रन पहनते हो, तो वैसे ही आप अलग अलग एक्टिविटीज में आपको अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते मिलते हैं। आपके क्लोथ्स आपकी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बहुत बार, जैसे आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर में लोग अलग कपड़े पहनते हैं, इंडियन कल्चर में अलग, क्योंकि आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग वैसी है, तो आप उस टाइप के क्लोथ में कंफर्टेबल खुद को फील करते हो। उसके अलावा आपकी क्लोथ्स आपकी फ्रेंड्स से भी बहुत बार इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, राइट, कि या तो फिर आपके क्लोथ्स उस टाइप के हैं तो वो आपको अपने ग्रुप में इंक्लूड करेंगे, तो बहुत बार उस तरीके से भी क्लोथ्स आपको हेल्प करते हैं। आप ही सोचिए डे इन एंड डे आउट सिंस योर बर्थ, आप छोटे बच्चे को पैदा हुए बराबर एक कपड़े में रैप कर लेते टू प्रोटेक्ट हिम, राइट, टू मेक हिम कंफर्टेबल। तो आप सोचिए सिंस योर बर्थ टिल टुडे यू आर यूजिंग योर क्लोथ्स इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट वेज, फॉर डिफरेंट पर्पजेस, और वो आपको कॉन्स्टेंटली सर्व कर रहा है, तो दिस इज द डे टू फील ग्रेटफुल फॉर योर क्लोथ्स। तो आज आपको क्या करना है कि टेक अ लुक एट योर वार्डरोब, आप सोचिए कि वो क्लोथ्स की जर्नी कैसी थी, वो आपके घर तक कैसे आया,
या आपने उसको किस फ्रेंड्स के साथ जाके चूज किया या किस फैमिली मेंबर के साथ जाके चूज किया, उसके अलावा किसी ने आपको वो क्लोथ गिफ्ट किया है क्या, या कितने वैरायटी ऑफ कलर आपको आपके वार्डरोब में दिखते हैं, उसके अलावा आप उसको कहाँ से लेके आए थे, आप एक जैसे अपने घर को सेंसरी टूर दिया ना विथ योर विजन, विथ योर स्मेल सेंस, विथ योर टच सेंस, तो आप अपने वार्डरोब को भी उस तरीके का एक सेंसरी टूर दीजिए, सबको टच करके देखिए, सबको फील करके देखिए वो फैब्रिक कैसा है, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडर की है उसके ऊपर कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी सोच लगी होगी, तो ट्राई टू गिव दैट सेंसरी टूर टू योर वार्डरोब। उसके अलावा आप सोचिए आप अपने क्लोथ से कितने अटैच्ड हो, किसी ने आपको मांग लिया तो आप इतने फ्री गिविंग हो या पॉसेसिव हो अपने कपड़ों के बारे में, और आप एक आप वार्डरोब को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कौन सी टाइप की वैरायटी को रखते हो या कौन सी टाइप को स्टाइल को कैरी करते हो, तो वो भी आपको आपके वार्डरोब से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप कोई आपको कपड़े दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कपड़ों की वजह से अरे मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिला, मेरे को वहां पे मैं सर्कल ऑफ अट्रैक्शन थी, मेरे को अप्रिसिएशन मिला, ये ड्रेस मेरे पे बहुत अच्छा खिल के दिखता है। तो ये गो थ्रू योर वार्डरोब और ये सारी फीलिंग्स को आज फील कीजिए और अपने क्लोथ्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आप भी सोचिए, आप क्लोजली जब वो क्लॉथ को देखोगे तो आपको उसकी फैब्रिक्स नजर आएंगे, आप सोचिए कि ये आप तक पहुंचने में कितना उसको जर्नी ट्रैवल करना पड़ा है, फ्रॉम अ सीड टू जीनिंग टू फैक्ट्री, किसी का एक सोच था कि उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, किस कलर में उसको ढालना है, फिर वो बन के आपके जो सुपरमार्केट जो मार्केट में आपको मिला है वहां के आउटलेट पे आया। आप सोचिए वो दुकानदार की भी अपनी पर्सनल चॉइस थी उसको वहां पे रखना, तो जब आप उसको उससे खरीदते हो तो आपको कितना बड़ा प्रोसेस हो के, या आप खरीदने भी जाते हो तो आप फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ जाते हो तो आप 10 चीजों में से उसको ही सिलेक्ट कर रहे हो, तो कितनी बड़ी जर्नी करके आपके पास आया है। और आप सोचिए जब 2-3 बार पहन के जब आप उसको ऐसे ही यूज करते हो बिना ग्रेटिट्यूड के, तो आप सोचिए जितने लोग उसकी जर्नी में इन्वॉल्व थे आप इनडायरेक्टली उनको एक डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो। आप सोचिए आपने कोई ड्राइंग बनाई और आप किसने अप्रिशिएट ही नहीं किया तो आपको कैसा लगेगा। सिमिलरली दिस इज द डे टू रियलाइज कि वो जर्नी कितनी बड़ी करके आप तक पहुंचा है, तो दिस इज द डे टू रियलाइज टू थैंक दोज पीपल हु आर इन दिस जर्नी। अगर चांस मिला तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको मिलो, जो आपका टेलर है, आपका जो शॉप पर्सन है जिससे आपने लिया, अगर नेक्स्ट टाइम आप उनको मिलो तो डेफिनेटली उनको थैंक करो। आप उनकी स्माइल देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी है ना आपको एक जर्नी से लेके आपके घर तक एक आपको एक ट्रेजर दिया है वो क्लॉथ के फॉर्म में। तो बी ग्रेटफुल टू देम, बी ग्रेटफुल टू योर क्लोथ्स। आपके अलग अलग क्लोथ्स के रिलेटेड आपकी अलग अलग मेमोरी जुड़ी हुई रहती है, राइट? कभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेरा शर्ट है जो मेरे स्कूल के फेयरवेल में मैंने पहना था, तो हम लोगों ने एक दूसरे के टी शर्ट पे सिग्नेचर्स दी थी, तो वो आज भी मेरे पास है। तो आपके भी कुछ ना कुछ क्लोथ्स ऐसे होंगे जो किसी ने आपको या तो गिफ्ट किए होंगे, आपने बहुत संभाल के उसको रखा, या आपने खुद उसको बनाया भी होगा। तो वैसे जो क्लोथ्स है जो आपको मेमोरी डाउन ना, जैसे शादी का ड्रेस है तो आपको वो तुरंत आपकी मेमोरी प्लेन में लेके जाएगा आपकी शादी के डेट पे कि आप तब कैसे दिख रहे थे, या तो आपका कोई पर्टिकुलर ड्रेस किसी ने आपको गिफ्ट किया है, इसके पास अपने पेरेंट यानी मदर के भी ड्रेसेस रहते हैं, तो आप वो क्लॉथ को हाथ लगा के देखिए कि वो आपको आपकी मेमोरी में पीछे लेके जाता है क्या। दे कैरी सो मच ट्रेजर फॉर यू विद इन दोज पर्टिकुलर थ्रेड्स। सो आज उनको रियलाइज करके आप ग्रेटफुल फील कीजिए। लुक एट योर वार्डरोब और आप सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको है ना अपने कपड़ों से प्यार है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक वीक पहले से डिसाइड करते हैं कि उनको क्या कपड़े पहने, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो 5 मिनट पहले 5 अलग ड्रेसेस ट्राई करके देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने कपड़ों को खुद मैनेज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिए लोग मैनेज करते हैं तो उनको डायरेक्टली वो हाथ में मिलते। तो आप सोचिए कि आपका रिलेशनशिप अपने कपड़ों के साथ किस तरीके का बनाए और आपको उसको कहाँ चेंज करना चाहिए अगर कपड़ों में भी एनर्जी है तो। So connect yourself to your clothes and feel that internal expression and then feel grateful for it. How beautiful they are serving you since your birth. अभी मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी मैं थॉट्स बोल रही हूँ ना, जो भी अफर्मेशन मैं बोल रही हूँ, वो आप एक बार अपने कपड़ों के लिए जो अभी आपने पहने उनको हाथ लगा के देखिए और फील कीजिए। क्लोज योर आईज एंड फील दिस अफर्मेशन नाउ। आई एम ग्रेटफुल I have clothes to wear. I am grateful that I have so much variety. I am grateful that they protect me. I am grateful that they are so colorful.
I'm happy and grateful they give me an identity. I'm happy and grateful they give me confidence. I'm happy clothes make me warm in cold winter nights. I'm happy it helped me survive in extreme weather condition. I'm grateful they are helping me to be alive. I'm happy my clothes realize me of my story, of its beautiful memory. I'm happy they make me laugh. I'm happy my clothes reflect and reveal who really I am. I'm happy they make me beautiful. Open your eyes. आप सोचिए अगर आपके पास फ्रिज में खाना है, आपके पास ये घर है और आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, then you become 75% richer than 3 billion people living around you. तो सोचिए आपको अगर ये richness का feeling आ जा रहा है, with this feeling of yours, be grateful for your clothes you are wearing. और आज आपको task में क्या करना है, stick a heart shaped paper in wardrobe. यानी आप जब ये सेंसरी टूथ ले लेते हो अपने वार्डरोब की, तो आपको वहां पे एक पेपर का हार्ट जो है ना, वहां पे एक स्टिक करना है जहां पे भी आपको स्पेस अवेलेबल है वहां पे, और वो हार्ट पे आपको कोई भी एक अफर्मेशन लिखना है जो आपको पसंद आया है, या तो फिर आपको जब वो सेंसरी टूर आप कर रहे थे ना, तो तभी आपको वो रियलाइज हुआ है, तो वो अफर्मेशन को आप वो हार्ट के ऊपर लिखिए, क्योंकि वो आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह आपको याद दिलाएगा कि आपको आपके कपड़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है. आप सिर्फ कपड़े पहनते वक्त भी उसको एक बार देख लेते हो ना, तो इनडायरेक्टली आपको ग्रैटिट्यूड मोड में चले जाते हो और इनडायरेक्टली आप वो कपड़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दोगे. सो स्टिक दैट हार्ट इन योर वार्डरोब और उसके ऊपर अपना वो जो अफर्मेशन आपको जो पसंद है उसको लिखिए, और रोज कपड़े पहनते वक्त हो सके तो उसको फील कीजिए. सो और उसके बाद आपको क्या करना है अगले टास्क में, कि आपको एक कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला ना, कोई भी एक क्लॉथ आपके वार्डरोब में रहेगा जो आपको मेमोरी लेन में पीछे लेके जाएगा, उसकी रिलेटेड आपके पास एक स्टोरी होगी, तो वो उसमें से जो बेस्ट वन है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके साथ आपका एक फोटो निकालिए और ग्रुप में डालिए और उसके साथ वो स्टोरी को मेंशन कीजिए. जैसे आपने मेरी स्टोरीज को एंजॉय किया, वैसे हम लोग भी आपकी स्टोरीज को एंजॉय करेंगे. तो डू पोस्ट योर स्टोरी विद योर दैट क्लॉथ विच टेक्स यू डाउन द मेमोरी लेन. तो दिस इज योर नेक्स्ट टास्क. और आपको 7 टास्क में ये करने का है कि हो सके, जैसे हमने घर को कैसे रिटर्न गिफ्ट दिया, ट्राई गिविंग रिटर्न गिफ्ट टू योर क्लोथ्स. अभी आप क्लोथ्स को कैसे रिटर्न गिफ्ट दोगे, तो पहले जैसे हमने घर को डीक्लटर किया, साफ किया, राइट, कुछ कुछ सेक्शंस को, तो वैसे ही हो सके तो आप अपने वार्डरोब को भी क्लीन कीजिए, तो इनडायरेक्टली आप वहां की एनर्जीज को चेंज कर दोगे, आप उसको एक पॉजिटिव साइड में अपने आप से कन्वर्ट करोगे, आपको खुद को उसको देख के अच्छा लगेगा. अब ये दो इमेजेस देखिए, आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है, ऑब्वियसली जो आफ्टर वाली इमेज है जो थोड़ी क्लीन है वो आपको अच्छी लग रही है, तो इनडायरेक्टली वो आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करता है और ऑरिक लेवल पे, एनर्जी लेवल पे वो वहां की एनर्जी को चेंज करता है. तो एक तो आप डीक्लटर कीजिए, आप डेकोरेट कर सकते हो, आप गिफ्ट कर सकते हो वार्डरोब को बहुत सारी चीजें, जैसे नहीं बहुत सारी हैंगर गिफ्ट कर सकते हो सिंपल, जिससे आपकी वार्डरोब को और क्लीनलीनेस आए, आपकी वार्डरोब अरेंज करने में बहुत हेल्पफुल हो, ऐसी चीजें गिफ्ट कर सकते हो. आप लोड को रिलीज कर सकते हो, यानी क्या, जो कपड़े आप नहीं पहनते हो, जो एक्सेसरीज आप यूज नहीं करते हो, जो फुटवेयर आप यूज नहीं करते हो, वो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, किसी को दे सकते हो, तो इनडायरेक्टली आप वहां का लोड कम कर देते हो, आप अपने वार्डरोब का, आप अपने क्लोथ्स के ऊपर जो एक रिस्पेक्ट है ना वो उनको पे करते हो. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे ना आप ग्रैटिट्यूड फील कीजिए अपने ड्रेसेस के लिए, आप अपने ड्रेसेस के साथ प्यार कर सकते हैं, उससे भी इम्पॉर्टेंट है आप उनको एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं. रिस्पेक्ट किस फॉर्म में, जैसे आप सोचिए आपने जब फर्स्ट डे पे कोई ड्रेस खरीदा था तो आपने उसको किस वे से पहना था, है ना, आप उसका ध्यान रख रहे थे, आप उसके लिए अवेयर थे, आप कॉन्स्टेंटली उसको कैरी कर रहे थे, आप ध्यान रख रहे थे कि उन पे कहीं दाग नहीं लग जाए, आप उनको अच्छे से ना मैनेज कर रहे थे. तो दिस इज द वे यू पे रिस्पेक्ट टू योर ड्रेसेस. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना ड्रेस पहनोगे तो पे दैट रिस्पेक्ट एज इफ इट्स द न्यू वन. तो उस तरीके का रिस्पेक्ट अगर आप अपने ड्रेसेस को देते हो तो इनडायरेक्टली यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू योर ड्रेस. तो आप इस वे में भी रोज अपने ड्रेसेस को, अपने क्लोथ्स को एक ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, रिटर्न गिफ्ट दे सकते हो उनको रोज उनके लिए ऐसा बिहेव करके. तो दिस वे यू कैन एनी ऑफ दिस, आप अगर रिटर्न गिफ्ट देते हो और अगर उसका पिक्चर पोस्ट करने जैसा है तो आप डेफिनेटली उसको भी ग्रुप में पोस्ट करना. सो दिस इज चैलेंज 8.
फीलिंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स थिंग्स दैट गिव्स यू कंफर्ट एंड सिक्योरिटी. उसमें फर्स्ट आपको ये करना था कि आपको एक सेंसरी टूर लेना था आपके घर में, उसमें से जो बेस्ट प्लेस आपको लगती है, जो आपको एक होमली फीलिंग देती है, उसका एक फोटो निकाल के आपको ग्रुप में पोस्ट करना है और आपको एक्सपीरियंस शेयर करना कि क्यों आपको वो होमली फीलिंग लगती है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखनी. उसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके घर में कोई एक चीज है जिससे आपको मेमोरी अटैच्ड है, उसके साथ आपकी कोई स्टोरी अटैच्ड है, तो वो चीज के साथ आपको स्टोरी को ग्रुप में मेंशन करना है उसके फोटो के साथ. थर्ड, आपको एक रिटर्न गिफ्ट देना है घर को. आप जो भी गिफ्ट दोगे उसको डीक्लटर करना, या उसके लिए कुछ गिफ्ट लाना, या उसके लिए जो हम लोगों ने बोला लोड कम करना, आप जो भी करोगे उसका हो सके तो एक फोटोग्राफ आपको ग्रुप में डालना है. उसके अलावा फोर्थ, आपको ये करना है कि आपको आपके वार्डरोब में एक सेंसरी टूर लेने के बाद आपको एक हार्ट स्टिक करना है, जिसमें आपको जो पसंद हो वो अफर्मेशन को आपको उसके ऊपर लिखना है, ताकि वो आपके लिए रिमाइंडर हो टू गिव ग्रैटिट्यूड टू योर क्लोथ्स. उसके अलावा आपको फिफ्थ चीज ये करनी है कि कोई भी एक क्लॉथ या ड्रेस जिससे रिलेटेड आपकी मेमोरी अटैच हो, उसके साथ आपको आपका एक फोटो निकालना है और आपकी मेमोरी को हमारे साथ शेयर करना है. तो दिस आर द फाइव थिंग्स यू कैन गिव. अभी मैं आपको बोलती हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, कोई कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारे कपड़ों को सबसे ज्यादा, या नहीं कुछ कुछ कपड़े जो अच्छे ही नहीं दिखते, या कोई कोई लोग अपने ड्रेसेस में कंफर्टेबल ही नहीं होते, तो उसको कैसे कर सकते. एक मेरी एक फ्रेंड है, शी इज वेरी हैवी, हेल्दी है, वो बहुत मोटी है, बट वो कुछ भी कपड़े पहने वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है. तो जब ना हम लोगों के जो फैशन शोज होते हैं वुमेन डे पे या अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल इन दोज ड्रेसेस शी इज वेयरिंग, जबकि वो हेल्दी है, वो मोटी है. बट आपको समझा कि जब उससे हम लोग पूछते हैं ना कि वॉट इज द सीक्रेट, तो द सीक्रेट बिहाइंड इज कि शी लव वॉट शी वेयर्स. तो वो जो आप कपड़ों से प्यार करते हो ना, तो इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, इनडायरेक्टली आपकी वो वाइब स्प्रेड होती है. तो भले ही आप कैसे भी हो स्ट्रक्चर में, बट अगर आपकी इमोशंस एक अलग वे के है ना, एक लव के है, एक अटैचमेंट के, ग्रैटिट्यूड के है, तो वो सराउंडिंग पे सब वे में रिफ्लेक्ट होगा. सो बी इन लव विथ योर क्लोथ्स टूडे. उनको अगर आप कोई रिटर्न गिफ्ट देते हो जिसका पिक्चर आप पोस्ट कर सको, तो वो भी पिक्चर आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए. तो दिस वॉज आवर चैलेंज 8 फॉर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू थिंग्स दैट गिव्स यू कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी टू योर होम, टू योर क्लोथ्स. So that's all from my side. I'm waiting for your photographs, pictures in the group, and also your experiences. आप experiences डालते हो ना, तो हम सबको एक ना example, एक memory हमको भी मिलेगा. We will also rejoice. So do post your pictures, photographs in our community page on Facebook. अगर आप Facebook पे नहीं हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जिसमें आप अपनी ये पिक्चर्स को पोस्ट कर सको. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस 11 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज. दिस वाज चैलेंज 8. थैंक यू सो मच. थैंक यू.